नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेल्लई रॉयल किंग्स वर्सेस चेपॉक सुपर किंग्स के बीच में होने जा रहा क्वालिफायर वन तमिलनाडु प्रीमियर लीग का मैच, जो कि आज होने वाला है शाम को 7:15। भाई देखो, यहाँ पर बात करें नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम की, भाई नंबर वन पे चल रही है पॉइंट टेबल पे, और चेपॉक सुपर किंग्स जो है नंबर टू पे चल रहा है। भाई दोनों में से कोई एक ही मुकाबला लेकर के जाएगा, लेकर लेकर के कौन जाएगा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी गाइस, अगर जो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू की। ये मुकाबला होने वाला है 27 जुलाई वेनेसडे 2022 शाम को 7:15 SCF क्रिकेट ग्राउंड पे। अगर जो बात करें SCF क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो देखो भाई, यहाँ पर टोटल अभी तक 8 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 बार मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 3 बार मुकाबले जीते हैं। यानी कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का जो यहाँ पर रेस है, मुझे बराबर ही लग रहा है, क्योंकि 5 और 3 में ज्यादा अंतर नहीं है, बस 2 मैचों का अंतर है। सो मे बी यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर मतलब बात बराबर ही रहने वाली है। मेरे को लगता है कि कोई भी चांसेस है, 50-50 चांस है भाई, बैटिंग चेज कर सकती भी है और डिपेंड भी कर सकती है। बात करें अगर जो फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर की, वो है 128 रन्स का। अगर यहाँ पर बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर 150 से ज्यादा रन नहीं बने हैं, मतलब 150 से ज्यादा रन तो भाई एक बार बने, बिलो 150 यहाँ पर 7 बार बने हैं, और 170 से 190 के बीच में यहाँ पर बस एक ही बार रन बने हैं। यानी कि मेरे को जो लगता है यहाँ पर 150 से नीचे ही रन जाने वाले हैं। अगर तो बहुत ही कम चांस है कि भाई 170 से ऊपर 100 मतलब 150 से ऊपर के रन चले जाएं, यानी कि नॉर्मली एवरेज स्कोर देखने के लिए मिलने वाला है 140 तक का। बात करें यहाँ पर नेल्लई रॉयल किंग्स की, भाई देखो 7 मुकाबले खेले, 7 में से 6 मुकाबले जीते, यानी कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त चल रही है। प्लेइंग 11 पर ऊपर नजर डाले तो भाई इनकी टीम में है श्री निरंजन आर, लक्ष्मी सूर्य प्रकाश, बाबा अपरजीत, संजय यादव, बाबा इंद्रजीत, रुबन राजमे, एम सजन, एन एस हरीश, वी ए डेविडसन, ईश्वरन के। अगर जो बात करें भाई नेल्लई रॉयल किंग्स की, देखो यहाँ पर भाई 7 में से 6 मुकाबले जीते हैं, तो मैं साफ साफ कहूंगा भाई इनकी ना तो बल्लेबाजी में कमी है ना गेंदबाजी में कमी, भाई दोनों ही यहाँ पर आंख बंद करके हम लोग कह सकते हैं एकदम परफेक्ट टीम है। क्यों भाई, देखो 7 में से 6 मुकाबले जीतने बहुत बड़ी बात होती है, एक मुकाबला हारा है वो भी शुरुआत में हारे थे, तो यानी कि ओवरऑल मैं कहूंगा नेल्लई रॉयल किंग्स की टीम भाई बहुत ही तगड़ी है, प्लेइंग 11 के मामले में एकदम परफेक्ट टीम है भाई, बल्लेबाजी और गेंदबाजी को हम लोग विश्वास कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल गुड है। यहाँ पर बात करें चेपॉक सुपर किंग्स की, भाई चेपॉक सुपर किंग्स ने भाई 7 मुकाबले खेले, 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं, यानी कि एक मुकाबला कम है यहाँ पर नेल्लई रॉयल किंग्स से। पर यहाँ पर मैं बात कहूंगा भाई चेपॉक सुपर किंग्स भाई बहुत ही तगड़ी टीम है, यहाँ पर उनका भी अच्छा खासा स्कोर है भाई, 7 में से 5 मुकाबला बुरा नहीं है। बात करें इनकी प्लेइंग 11 पे, तो इनकी प्लेइंग 11 में है नारायण, जगदेशन, कौशिक गांधी, राधा कृष्णा, राजगोपाल सतीश, साई किशोर, सोनू यादव, उजी यू, शशिदेव, एस हरीश कुमार, एम सिद्धार्थ, आर एलेक्जेंडर, संदीप बोरियर। अगर जो बात करें यहाँ पर भाई चेपॉक सुपर किंग्स की, भाई चेपॉक सुपर किंग्स की मेरी तरफ से जो है भाई, मेरे को पर्सनली इनकी बैटिंग और बॉलिंग मुझे खुद ज्यादा पसंद है। नेल्लई रॉयल किंग्स भी काफी अच्छी है, पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा सीन ये रहता है कि नेल्लई रॉयल किंग्स में कभी कभार ना ओपनर थोड़ी सी चूक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चेपॉक सुपर किंग्स में भाई ओपनिंग, मिडल एंड फिनिशर में यहाँ पर जो है एकदम बराबरी सी नजर आती है, इसलिए मेरे को ना यहाँ पर इनकी ज्यादा अच्छी पसंद है बैटिंग। और अगर जो बात करें बॉलिंग की, भाई बॉलिंग में इनकी काफी ज्यादा तगड़ी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बुरी है, तो मतलब ओवरऑल कहने की बात यही कहेंगे भाई, प्लेइंग 11 जो है यहाँ पर नेल्लई रॉयल किंग्स एंड चेपॉक सुपर किंग्स की दोनों की काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, दोनों की टीम भाई बराबर के टक्कर की है। बात करें यहाँ पर दोनों ही टीम के रीसेंट परफॉर्मेंस क्या चल रहे, भाई देखो नेल्लई रॉयल किंग्स ने अभी तक 5 में से 1 मुकाबला हारा है, अगर जो पिछले 5 मुकाबले की बात करें चेपॉक सुपर किंग्स की, भाई 5 के 5 जीत ले, यानी कि पिछला जो नेल्लई रॉयल किंग्स है बस पिछला मुकाबला हार करके आ रही है, बाकी दोनों सारे मुकाबले अभी तक लह के मतलब जीतती भी आ रही है, और मतलब ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर दोनों ही टीम एक जैसी मुझे नजर आ रही है, बस एक मुकाबला हारी है नेल्लई रॉयल किंग्स। बात करें पास्ट रिकॉर्ड्स की, भाई पास्ट रिकॉर्ड में हेड टू हेड मुकाबले, भाई देखो यहाँ पर टोटल 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं नेल्लई रॉयल किंग्स वर्सेस चेपॉक सुपर किंग्स के बीच में, और नेल्लई रॉयल किंग्स ने भाई 2 मुकाबले जीते, चेपॉक सुपर किंग्स ने 4 मुकाबले जीते, यानी हेड टू हेड के मामले में मुझे जो है चेपॉक सुपर किंग्स आगे नजर आती हुई नजर आ रही है। अब बात करें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट की, कि भाई फाइनली ये मुकाबला लेकर के कौन जाने वाला है। यहाँ पर अगर जो प्लेइंग 11 की बात करें, भाई प्लेइंग 11 में दोनों ही टीम बराबर है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, आइडिया नहीं लगा सकती कि कौन सी टीम मुकाबला लेकर के जाएगी। बात करें अगली रीसेंट परफॉर्मेंस, भाई रीसेंट परफॉर्मेंस में मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो भाई यहाँ पर चेपॉक सुपर किंग्स आगे नजर आ रही है मुझको, क्योंकि भाई एक 5 के 5 मुकाबले जीते, काफी अच्छी फॉर्म चल रही है, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर रीसेंट परफॉर्मेंस में आगे है, और हेड टू हेड के मुकाबले में भी यहाँ पर चेपॉक सुपर किंग्स आगे है, यानी कि भाई देखो विन परसेंटेज तो यहाँ पर 50-50 गया, पर मैं जो जाना चाहूंगा भाई, मैं जाना चाहूंगा चेपॉक सुपर किंग्स के साथ, क्योंकि भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई चेपॉक सुपर किंग्स के पास ये चीज है, वो दम है भाई जो ये मुकाबला लेकर के जा सकती है,
मेरे हिसाब से तो भाई ये मुकाबला चेपॉक सुपर किल्स लेकर के जाने वाली है। अगर जो आप लोग मैच को और डिटेल में जानना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।